अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के शुक्र के साथ मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ इस तरह से है कि ये वो पौधे हैं जो मैंने कल अपनी ज़मीनों से खोदे थे और इनको घर लेके आया था, तो आज इनको मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन जाके उसका लिंक मौजूद है, तो यहाँ पे मैं गड़ा खोदूंगा, गड़ा खोद के इसको अंदर लगाऊंगा, तो आप देखिएगा मैं कैसे करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ पर खड़े बेल आइकन को दबा दें, और मेरी वीडियो को, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो पिछली वीडियो में मैं इसके फ़ायदे बताना जो कि मिस कर गया था, लेकिन वीडियो के एंड पे जब मैं इसे लगा लूँगा तो इसके फ़ायदे भी बताऊँगा, इसलिए आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये एक परा ले लिया है, इसके साथ मैं गड़ा खोदूँगा और इसको अंदर जो कि अपने पौधों को लगाऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरह हम इसके इसमें से मिट्टी निकालते रहेंगे और गड़ा खोद लेंगे, काफ़ी जितना गमला है इतना गड़ा खोद लेंगे हम। और ये मेरे क्यूट कैंडी और सैंडी जो हैं, ये मेरा काम देखते हुए कि मैं किस तरह काम कर रहा हूँ, ये निगरानी कर रहे हैं काम की। दोस्तों, गड़ा हमने खोद लिया है और आई थिंक ये इतना पूरा आ जाएगा। तो थोड़ी सी जो नीचे से ज़मीन, इसको नरम कर लेते हैं और फिर अपना जो पौधा है इसके अंदर रखेंगे, ताकि ये नरम इसलिए किए ताकि ये जो कि नीचे वाली ज़मीन मिल जाए, फिर ये जड़ें नीचे चल जाए। तो हम पौधा रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बहुत ही फिट आ गया यहाँ पे पौधा। तो अब इसके अंदर मैं मिट्टी डालता हूँ जो पहले निकाली है, और इसको फिल करता हूँ साइडों से। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त गड़ा जो क्या खोदा गया था, ताकि इसके ऊपर बिल्कुल आ गया इसके अंदर पौधा मेरा। थोड़ा सा इसे दबा दूंगा मिट्टी को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो पौधा मैंने लगा लिया है ये बहुत ही यहाँ पे फिट आ गया ज़मीन के अंदर, ये लग चुका है। तो इसी तरह ये दूसरा पौधा है जो इसको मैं इसकी साइड पे यहाँ पे लगाता हूँ, तो उसी तरह वही प्रोसेस मैं करूँगा, यहाँ पे गड़ा खोदूँगा, गड़ा खोदने के बाद फिर उसको लगाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका गमला जो कि थोड़ा सा छोटा है गुलाई में, तो मुझे गड़ा भी थोड़ा सा छोटा ही खोदना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये काम घर में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे जो कैटीज हैं प्यारे प्यारे, ये देखें कितने प्यारे हैं, क्यूट से, ये भी साथ मेरे काम में आ गए हैं देखने काम को कि कैसे हो रहा है काम, क्योंकि ये
हैरान हो रहे हैं कि ये काम क्या कर रहा है। दोस्तों मैंने ये भी गड़ा खोद लिया है और वही मैंने नीचे से इसे थोड़ा सा नरम कर दिया ज़मीन को, तो अब इसके अंदर पौधा रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह जी माशाल्लाह, और ये बहुत ही ज़बरदस्त हो गया ये भी काम। तो इसी तरह इसके साइडों पे मिट्टी डाल देंगे। जी भाई ये नया काम हो रहा है, आप रान हो रहे हो, ये नए पौधे लग रहे हैं भाई। तो थोड़ा सा इसे दबा देंगे इसी तरह। तो साइडों से थोड़ी थोड़ी बाड़ बना लेंगे ताकि इसको पानी डाल सकें हम, वो पानी इसके अंदर खड़ा हो जाए। दोस्तों अब आते हैं फ़ायद की बात पे, तो इसके बहुत सारे फ़ायद हैं। मसाल के तौर पर ये घर में लगाएं तो इसके ये फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। अभी तक फूल निकले नहीं लेकिन फिर भी खुशबू आ रही है मुझे काफ़ी ज़बरदस्त। और इसी तरह दूसरे पौधे की तरफ आ जाएंगे और इसके जो साइडों से थोड़ी थोड़ी बाड़ बना लेंगे पानी के लिए। और ये जो है ये क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो गांव में सांप वगैरह भी आते हैं, तो इसकी जो खुशबू होती है फूलों की उस पे सांप नहीं आते, यानी कि घर से दूर रहते हैं सांप। और ये ठंडा बहुत होता है पौधा, यानी कि इसकी जो ताज़ियत ठंडी होती है। ये मैदे के लिए, यानी कि हम पुदीने के तौर पर भी इसके पत्तों को यूज़ कर सकते हैं। पुदीने आप कहाँ से छलांग मार के आ गई हो, तो ये मुझे तंग कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, पता नहीं कुछ नया ही हो रहा है आज घर में। दोस्तों अब इनको पानी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथों को मिट्टी लग गई है, हाथ भी धो लेते हैं इसी के साथ। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं क्योंकि बारिश होने वाली है, तो बारिश होगी तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो पानी ज़्यादा इसे नुकसान न करें। तो इसी की तरह दूसरे पौधे को निकालते डालते पानी। तुम तो बाहर निकलो भाई, हेलो निकलो बाहर, इधर आओ, चलो चलो जी चलो साइड पे हो जाओ। और अब इसको पानी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो पौधों को पानी भी डल गया है और सारा काम हो चुका है। दोस्तों बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ करें बेल आइकन को दबा दें ताकि इससे मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अपना ढेरों ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।